हेलो गाइस, जियो मंत्रा में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में जानेंगे। बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी का लीडरशिप में 1700 साल में हुआ था। किस लिए हुआ था? राजस्थान सेट में खेजारली मालवा रीजन में जो राजा था वो वहाँ का सैक्रेड ट्रीज को काट के नया किंगडम बनाना चाहता था, उसी के अगेंस्ट में ये आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 में हुआ था। उत्तराखंड के तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हिमालयन स्लोप में जो ट्रीज है उसको फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर काट के कुछ नया कंस्ट्रक्शनल वर्क बनाना चाहता था, उसका अगेंस्ट में ये आंदोलन हुआ था। साइलेंट वैली मूवमेंट द केरला शास्त्र साहित्य परिषद नाम के संस्था के नेतृत्व में 1978 में हुआ था। केरला के पालाकाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको हटा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने के अगेंस्ट में ये साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल्स है उन लोगों के द्वारा 1982 में ये आंदोलन हुआ था। वहाँ का जो गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट वहाँ का साल फॉरेस्ट को हटा के सेगुन फॉरेस्ट क्रिएट करना चाहता था, इसके अगेंस्ट में ये आंदोलन हुआ था। एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में 1983 में ये आंदोलन हुआ था। कर्नाटक स्टेट में उत्तर कन्नाडा एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पर कमर्शियलाइजिंग किया जा रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था, उस जंगल में जो एंशियंट लाइवलीहुड मतलब आदिवासी लोग रहते थे वो लोग का बहुत नुकसान हो रहा था, तो इसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में 1985 में ये आंदोलन हुआ था। नर्मदा रिवर में बहुत सारा डैम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट के विरोध ये आंदोलन हुआ था। तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1990 में ये आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के निकट तेहरी में डैम कंस्ट्रक्शन के वजह से वहाँ का टाउन का जो लोग है उसको डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था, और डैम के वजह से जो पेड़ वगैरह काटा जा रहा था उसके वजह से इकोसिस्टम भी वीक होने का चांसेस था, तो इसके में ये आंदोलन हुआ था। आशा करते हैं आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगले दिन कुछ और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।